तो होता है कि नहीं? रिप्रोडक्शन, हाँ जी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, किसी में भी ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जितने पैदा हुए सब एक ही तरीके के, उनमें भी वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है। जो एसेक्सुअल है ऐसा नहीं कि प्लेनेरिया एक ही तरीके के हों, बहुत तरीके के प्लेनेरिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें एसेक्सुअल मोड है, लेकिन वेरिएशन तो तब भी पाया जाता है। तो ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें डीएनए का रिप्लिकेशन जब हो रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इरर आ जाती है। सो ड्यू टू इरर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, द वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड। सेंटेंस पूरा करो पीयूष। तुम्हारा ध्यान तो उधर था, तुम लाल कपड़ा देख रहे थे। हाँ बोलो। रिप्रोडक्शन एरर इन रेप्लिकेशन लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है। सो द टू कॉपीज जो भी फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टू द टू कॉपीज फॉर्म्ड ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन आर, अर्पिता आगे क्या लिखें, आर वो जो टू कॉपीज बनी है वे कैसी हैं, आर नॉट आइडेंटिकल, कहने को आइडेंटिकल थी लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इरर हो सकती है ना, आर नॉट आइडेंटिकल, वो इरर हो सकता है या म्यूटेशन कुछ ना कुछ हो सकता है, इट लीड्स वेरिएशन। इससे क्या होगा, इट लीड्स वेरिएशन, मेरा कहने का मतलब है जो मदर सेल से डॉटर सेल से बन रही हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। दिस वेरिएशन ये क्या होगा, सो दिस, अब ये जो वेरिएशन आया इस ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, अगर उस वेरिएशन को लेके वो जी सका, मान लो रेड बीटल जीने में कामयाब हो गया, नेचर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है तुम रेबल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तुम जियो, तो वो जी सका। और ऐसा उल्टा ही पुल्टा कुछ वेरिएशन होगा, स्टमक ही नहीं है, ऐसा वेरिएशन आ गया तो बेचारा जी ही नहीं पाएगा, तब क्या फॉरवर्ड करेगा। सो दैट वेरिएशन क्या होगा, इस ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑनवर्ड। यही तो हेरिडिटी है, हेरिडिटी में क्या होता है, जो माता पिता का वही बच्चों को मिलता है। तो दिस वेरिएशन क्या होगा बताइए, इस ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हाउएवर न्यू वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एट एवरी नेक्स्ट जनरेशन। वो तो ट्रांसफर होगा ही होगा, लेकिन क्या हर जनरेशन में फिर से कुछ नए वेरिएशंस नहीं इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ये बात समझ आएंगे कि नहीं भाई। डीएनए का हुआ एक जनरेशन, फोर फोर फादर, फिर उनसे क्या हुआ, मतलब जैसे ग्रैंड ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर फादर, तो उनसे जो वेरिएशन है वो सब में है, यहाँ तक कि तुम में भी है, लेकिन जो उसके अलावा ग्रैंड फादर का है वो भी है, फिर फादर का है वो भी है, तो क्या ऐसे बढ़ता नहीं गया? तो ये चीज होती है। सो दिस वेरिएशन इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन ऑनवर्ड, जनरेशन ऑनवर्ड, यही आगे बढ़ता चला जाएगा। And also new variations are introduced in each new generation. मतलब जैसे एक बार हो गया, अगला जो मेरा कहने का मतलब है जैसे कोई शुरू में 20 जनरेशन पहले कुछ एक वेरिएशन आया, और एक है तीन जनरेशन पहले एक वेरिएशन आया, तो जो 20 जनरेशन पहले आया है वो 20 जनरेशन तक चला, तो वो लोग किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, 20 वाला, क्योंकि वो उसके बहुत बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, तीन वाले का तो छोटी शाखा बनेगी। तो इसलिए इफ सम वेरिएशन इज फाउंड इन 60% ऑफ पॉपुलेशन एंड सम इज 10% पहला क्वेश्चन है इसी इंडेक्स का, तो विच वेरिएशन इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड विच वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज इन रिमोट पास्ट, कौन सा अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और कौन सा पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि वो तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यही तो हेरिडिटी है।
कि उत्तर, हाँ बोलो, अब बोलो क्वेश्चन। क्योंकि अब मान लीजिए जो उसका है जैसे एडिनिन गुआनिन थायमिन है, उसमें एडिनिन के बाद गुआनिन ना होकर साइटोसिन थायमिन है, तो वो साइटोसिन अब आगे भी चलते ही रहेगा, क्योंकि वो तो उसी लड़ी को रेप्लिकेट होना, तुम्हारी एक जीरोक्स कॉपी में कहीं से डॉट आ गया, किसी ने या एक मच्छर बैठ गया था, अब उसी की तुम जब फिर से कॉपी बैठाओगे तो वो मच्छर वाला निशान क्या चला जाएगा, फिर उसमें और भी मच्छर बैठते गए, दो और बैठ गए, फिर तीन और बैठ गए, वो क्या उसकी मशीन में ही कुछ ना कुछ कभी डस्ट पार्टिकल आ जाता था, तुम जो बहुत बाद वाले आएंगे उनमें बिल्कुल कई सारे मच्छर मक्खी तितली होंगे होंगे कि नहीं, बात समझ में है कि नहीं, उसी की तो कॉपी बननी है, तो वो क्यों नहीं होगा, नहीं। However, next transferred to next generation onward, how meanwhile new generation, new variations are introduced at each steps, फिर से होते जाएंगे कि नहीं। इन दिस वे accumulation of variation takes place, इस तरीके से जो variations हुए हैं वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, तुम्हें forefather का भी मिला है, father का भी मिला है, in this way, sentence पूरा करो सार्थक, in this way, सुनने में तुम्हारा विश्वास नहीं है, बोलो अंशिका। In this way, variations in organisms or species take place. हाँ बोलो, in this way, बताइए। ये बात नहीं है, हाँ, इन दिस वे एक्यूमुलेशन ऑफ, इकट्ठा होते जाते हैं, यही बहुत बड़ा वर्ड है। सो इन दिस वे वेरिएशंस आर, जो वेरिएशंस है वे क्या एक्यूमुलेट होते हैं, आर एक्यूमुलेटेड over a long span of time, long span of time, तो जब ये बहुत लंबे समय में ऐसा होगा, leads evolution, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या यही विकासवाद की अवधारणा है, leads evolution, इससे क्या होगा, evolution होगा, ठीक है। वॉट इज इवोल्यूशन, दैट इज वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम लीड्स इवोल्यूशन, सो इन दिस वे द सिंपलर ऑर्गेनिज्म बिकम्स कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन क्या है, दैट इज वेरिएशंस accumulated over a long span of time leads evolution, और during evolution क्या होता है, that is complex organisms are evolved फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मतलब इवोल्यूशन का शाब्दिक अर्थ क्या है बताओ, दैट इज इवॉल्वर, इवॉल्वर का मतलब क्या है, अन ऑफ वर्क का मतलब रोल, जैसे तुम कालीन खोलो तो नए नए डिजाइन खुलते जाते हैं ना, यही तो इवोल्यूशन है, हमको पता नहीं हमारे अंदर क्या छिपा है, हमसे पता नहीं क्या क्या बन जाए, पता नहीं डायनासोर बन जाए या मच्छर बन जाए, हमको मालूम ही नहीं हमारी कालीन में क्या छिपा है, इवॉल्वर का मतलब अनरोलिंग ऑफ न्यू जनरेशन, इसमें प्रकृति भी मदद कर सकती है, क्लाइमेटिक चेंज होगा उसकी वजह से क्या पता किस रास्ते हमारा विकास पथ आगे जाए, बात सही है कि नहीं, तो इस तरीके से ड्यूरिंग इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स
आर इवॉल्व फ्रॉम सिंपल, शुरू शुरू में सब में था तो वो सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल बना, फिर ऑर्गन लेवल बना, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बना, इस तरीके से हम सब ऑर्गेनिज्म बने। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व, कॉम्प्लेक्स आर इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म। बात नहीं करो, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। नाउ इनहेरिटेंस, ऑफस्प्रिंग या जो सिबलिंग्स होते हैं या प्रोजीनी, दे गेट ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। सो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। आपको उत्तराधिकार में क्या मिला है? अगर पिता के पास कार थी तो बच्चे को मिल जाएगी, अब पिता के पास चारपाई थी तो बच्चे को चारपाई मिलेगी। सो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, ठीक है, बाई ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। द ट्रेट्स offspring get traits, offspring get traits from their parents। देखो parent भी हो सकता है, अगर sexual reproduction है तो कैसा होगा, parents हो जाएंगे, क्योंकि दो parents होंगे, ठीक है। सो ये इसके लिए उनको कोई वसीयत लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरी जैसी नाक मेरे लड़के की हो, समान के लिए भले ही लिखें लेकिन नाक होने के लिए और आंख होने के लिए लिखने की जरूरत है। सो वी गेट ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड इन हेरिटेंस। एंड द ट्रेट्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ट्रेट्स दो तरीके के हो गए, ट्रेट्स के लिए आपके बुक में देखो लिखा है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, तो दूसरे पेज पे तो ट्रेट्स अब दो तरीके के हो गए, एक हो गए एक्वायर्ड ट्रेट्स और दूसरा कौन सा हुआ, इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो व्हाट डज इट मीन बाई एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, AC, so acquired traits, the traits which we get during our lifetime। मान लीजिए हमारे हाथ में एक स्क्वायर मार्क हो गया तो वो acquired trait, जो या थिन हो गए पतले हो गए या कहीं ना कोई चोट का निशान हो गया तो वो सब एक्वायर्ड ट्रेट, या गलती से एक्सीडेंट पे हमारी पूंछ कट गई तो वो चूहे की, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गया। समझ में आ गई बात? सो द ट्रेट्स, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स विच वी गेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम and not transferred from parents, parents से ना transfer हो, are called acquired traits। plants में कुल्हाड़ी मार दो नहीं नहीं जान से जाएंगे, ये सब acquired traits हैं, कुछ भी कर दो उसको पीला पेंट कर दो खुश होने लगे, मैं तो पीला हो गया तो वो एक्वायर्ड ट्रेट हो जाए। लाइक ए स्क्वायर मार्क, ऑन फेस या कैंसर, ऐसा नहीं है कि जिनके माता पिता के कैंसर है उन्हीं के बच्चों को, तो ऐसा है कि जो कैंसर है या ऐसी और कोई भी बीमारी हो सकती है जो हमें है,
पेरेंट्स से नहीं है, डायबिटीज तो होती है जेनेटिक, लेकिन अगर पेरेंट्स गए तो बच्चों को जरूर होगी। बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे हम लोग ये जानते हैं हीमोफीलिया या कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें अगर महारानी विक्टोरिया के परिवार में थी कोई भी, अगर वो प्रिंसेस डायना के कट जाए तो खून बहता ही रहेगा, उनके प्लेटलेट्स नहीं है, तो उनके घर में कोई भी चीज़ धारदार नहीं होती है, बिल्कुल ब्लंट रखी जाती, चाकू छुरी भी खुले में नहीं रखे जाते। तो या प्रिंस चार्ल्स हैं तो उनके में प्लेटलेट्स ही नहीं है तो खून रुकेगा नहीं, हीमोफीलिया कहलाता है ये चीज़। तो ऐसी भी बीमारी होती जो आगे बढ़ती जाती परिवार में, तो वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्वायर्ड ट्रेल से जैसे कट का निशान। और या फिर माल न्यूट्रिशन, तुमने खाना नहीं खाया ठीक से तो हड्डी का ढांचा दिख रहा है शरीर, तो क्या वो माल न्यूट्रिशन जैसे सोमालिया और कांगो के लोग, तो वो क्या हो गया, ये तो एक्वायर्ड ट्रेल्स है ना, क्योंकि वो तीन दिन में खाना खाते हैं और वो भी एक टाइम में जो है पशुओं का शोरबा पीते हैं, मतलब कोई हिरन हिरन काटा जाता है फिर उसका जो शोरबा है सूप पी लेते हैं उसी से तीन दिन का चलता है। पेड़ पौधे वहीं, what does it mean by inherited traits? Inherited traits क्या होता है? The traits which are transferred in us from our parents are called the traits which are transferred to us from our parents. जो ट्रेड्स हमें हमारे माता पिता से मिले हैं आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे ये कहा जा सकता है कि अटैच्ड ईयर लोब, इसका एग्जांपल है कि जिसके ईयर लोब अटैच हैं तो जरूर माता या पिता के अटैच होंगे तभी पाया है उसने। दिस इज inherited traits. Now let us see that accumulation of variation. तो हमने देखा पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो DNA replication है तो उसमें variations accumulate होता चला जाता है। तो मान लीजिए कि कोई सेल है, अब अमीबा ही ले लो, तो मैं एक अमीबा बनाता हूँ, ये देखो ये मैंने एक अमीबा बना दिया, ये मान लो ये अमीबा और इस मदर सेल के दो डॉटर सेल बने, और जब इनका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो होता तो क्या है कि एक ही तरीके के बनने चाहिए, लेकिन गलती से डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ ना कुछ सही तरीके से कॉपी नहीं हो पाई और उसकी वजह से क्या इनमें कुछ वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गया। ये देखो, तो ये देखा गया कि एक में कहीं कुछ ये वेरिएशन हो गया, ये समझो कुछ वेरिएशन है उसमें, और दूसरे में भी कुछ वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। अब देखो, तो अब मदर सेल ने दो डॉटर सेल पैदा की, लेकिन क्या दोनों डॉटर सेल एक जैसी पाई गई कि नहीं? वो मदर सेल के आइडेंटिकल भी नहीं थे, दोनों में अलग अलग तरीके का वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि तुमको मालूम है कि जब एडिनोसिन और गुआनिन थाइमिन उनके सामने जुड़ेगा, पता नहीं गुआनिन के साथ साइटोसिन ना जुड़े एडिनिन जुड़ जाए किसी में, तो ही तो यही तो वेरिएशन है, जुड़ने पे तो कोई पीछे से शुगर और फास्फेट के लिए उसको जोड़ दे जबरदस्ती तो न जुड़े, या एडिनिन के साथ थाइमिन न जुड़े गुआनिन ही जुड़ जाए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ और जुड़ा होगा, क्योंकि हमने मालूम है दो कितनी तो लड़ियां हैं डीएनए की, कितनी लंबी लड़ी है कि धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो ही गई होगी, रूप रीडिंग नहीं हो सकती है। तो दो इस मदर सेल की दो डॉटर सेल बनी और दोनों डॉटर सेल में दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ गया, क्योंकि वो सब उसी में जो सब बेसिस घूमते रहते हैं तैरते रहते हैं, गलत जुड़ गया तो हो गया वेरिएशन। लेकिन अब इसके जो दो बच्चे होंगे क्या दोनों के सर पे लाल मुकुट होगा? हाँ। और इसके जो दो बच्चे होंगे क्या दोनों की कुर्सियां हरी होंगी?
है ना। तो जरा देखें, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, यहां से पढ़ो, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड। वेरिएशन क्या हो जाएंगे बोलो, एंड दीज वेरिएशंस गो ऑन या ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यही वेरिएशंस क्या होंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, हाउ एवर न्यू वेरिएशंस आर ऑल्सो एडेड, दूसरे वेरिएशंस और भी एड होते चले जाएंगे। तो अब जरा देखो इनके दो बच्चे कौन कौन से बन रहे हैं, ये मान लो इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, एक मोनू और एक सोनू। ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, जैसे ये जो रेड इसकी रेड कैप आई है ना, हाँ, तो बहुत समय पहले इनकी जनरेशन में एक बार किसी की रेड कैप हुई थी, अब वो ब्लू बन गई, अब वो दोबारा रेड बन गई। हाँ वो हो सकता है, ऐसा तो वो एक्सीडेंटली होगा। अब ये देखो इन दोनों की कैप अपनी बुक में देखो रेड है, लाल मुकुट, और इसके बाद बाकी इन दोनों में कुछ ना कुछ नए वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गए, और नीचे भी सब इसी तरीके से पर्पल कलर रहा, ये ठीक है। और ये देखो नाउ न्यू वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस, इनको एक ये वेरिएशन मिल गया और दूसरे वाले को भी कुछ वेरिएशन मिल गया। तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नए वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं। ये तो ए सेक्सुअल है, और सेक्सुअल में तो और भी कुछ हो सकता है। अब इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें भी टू न्यू बन गए, तो जो टू न्यू बने उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो अब इसमें भी देख लीजिए, ये एक ऐसा और एक ऐसा, और नीचे बेस दोनों के ग्रीन है, बेस दोनों के ग्रीन हो गए, और इसी तरीके से ऊपर नहीं चेंज आया, इसमें भी नहीं चेंज आया, यहाँ आ गया इसमें। अब ये देखो, तो कुछ ये जरूरी नहीं है कि चेंज कंपलसरी नहीं है, लेकिन गलती से आ सकता है, समझ में आई बात की नहीं। तो इसमें चेंज आ गया, यहाँ पे इसका कलर बदल गया, और इसमें भी चेंज आ गया, ये चीज यहाँ लिखी गई है, तो तुम चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, है ये अपनी बात। लाइट ब्लू कैसे आया, दैट इज द रेप्लिकेशन में हमेशा इधर रहती है, म्यूटेशन रहता, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो ये चीज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। ये तो इसके ट्रेड्स हैं, समझो ना, एक एक सिंबल है टेम्पलेट बनाने के लिए। सो द प्रीवियस वेरिएशंस आर कैरीड फॉरवर्ड, हाउएवर न्यू वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस। क्या तुम ये नहीं देख रही हो, जबकि ये अपने माता पिता की तरह आइडेंटिकल हुआ। ये भी दिखाने की कोशिश नहीं है कि वेरिएशंस कंपलसरी ही है, अगर इतनी तेजी से होते तो दो तीन जनरेशन बाद हम अपने दादा को ना पहचान पाए, ऐसा इतनी जल्दी नहीं होते हैं, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। अब आगे देखिए, अच्छा ये बताओ, यहां पर ये जो दिख रहा है तुम्हें स्काई ब्लू, ये फ्यू पॉपुलेशन में है, और रेड टोपी ज्यादा में है, तो कौन सा वेरिएशन जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है? रेड वाला जल्दी, जो ज्यादा पॉपुलेशन में वो जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेट ए एग्जिस्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो इसी में accumulation of variation, so due to small inaccuracies in DNA copy, ये important sentence है, due to small sentence आपने पढ़ा बुक में मिला पहले पेज में, accuracies in DNA copying मिला कि नहीं मिला, due to ये minor variations are introduced,
सो माइनर वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड बट जो ऑल प्रोजीनी जो पैदा हुए हैं डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके सबके जीने के समान वो नहीं है। मान लीजिए एक ग्रीन बीटल है तो क्या उसको कैमोफ्लेज का एडवांटेज मिल जाएगा, वो पौधों की पत्तियों में छिप के रह पाएगा और कौए उसे नहीं खा पाएंगे, और लाल बीटल एक्सपोज हो जाएगा, वो चमकता तो कौए आके पिकअप कर करके खाएंगे। तो इस तरीके से कैमोफ्लेज का एडवांटेज या छिपने का एडवांटेज किसे मिला, ग्रीन बीटल को कि इसको रेड वाले को? तो किसकी पॉपुलेशन जल्दी बढ़ी? तो इस चीज को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी इफ नेचर अडॉप्ट्स, जिस चीज को नेचर गोद ले ले, अरे तुम तो बिल्कुल मिलते जुलते आओ माई गोद में बैठो, तो जिसको नेचर गोद ले ले, इफ इट सूट्स टू नेचर देन दैट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइज बाई रिप्रोडक्शन, हाउ एवर अदर इज ईटन बाई सम, कोई उसका प्रीडेटर है वो प्रे को खा जाएगा, शिकारी शिकार को खा जाएगा। और इस तरीके से वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाइज एट एक्सपोनेंशियल रेट, हाउ एवर अदर्स इज नॉट मल्टीप्लाइंग बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग एनी सर्वाइवल एडवांटेज, जिसको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। सो दिस इज ए काइंड ऑफ जेनेटिक डिफरेंस, दोनों समान रूप से। तो वो अगले पेज के शुरू की लाइन में लिखा है, पढ़ो जरा उस चीज को। सो क्या लिखा है कि नाउ इंट्रोड्यूस, सो बोथ काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बोथ काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट गेटिंग, क्या दोनों को सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा कि नहीं? सर्वाइवल एडवांटेज, दोनों को सेम एडवांटेज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि इफ ड्यू टू वेरिएशंस सम रेड बीटल्स एंड सम ग्रीन बीटल्स आर प्रोड्यूस, बीटल्स आर प्रोड्यूसिंग सम रेड वराइटीज एंड सम ग्रीन, ब्लू थे लेकिन उन्होंने पैदा कैसे कर दिए, और साथ में ब्लू भी है, ब्लू तो चलते आए ना लेकिन कुछ ऐसे हो गए। सो इफ ब्लू बीटल्स, तो बीटल्स वहां लास्ट में पहली लाइन की तीसरे में बीटल बने हुए हैं, वही जो सब पहली की तीसरी सीजन वही बीटल है। तो इफ ब्लू बीटल प्रोड्यूसेस टू वेराइटीज रेड एंड ग्रीन बीटल, तो मुझे ये बताओ अर्पिता कि जो इसमें ब्लू बीटल थे क्या उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, ब्लू को तो नहीं मिल सकता। सो अभी रेड और ग्रीन बीटल हो गए, जो ग्रीन बीटल है, सो ग्रीन बीटल कैन इजिली कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज कैंप लगाती हो तो ऐसे तुम जैसे चेहरे पे ऐसे ऐसे रंग पोत लेती हो, जंगल जंगल में ऐसे ऐसे घूमते हैं तो पोत के दिखाई नहीं पड़ते, तो यही कैमोफ्लेज है, अपने आप को प्रकृति में छिपा लेना। कुछ ऐसे वो टेंट भी आते हैं कैमोफ्लेज, ये पता ही नहीं चलता कि हम जंगल में, होता है कि नहीं, जंगल के शिकारी होते हैं छिपे रहते हैं पेड़ों के पीछे, पता ही नहीं चलते आदमी को, सब ऐसे वही कलर लगाए रहते हैं। तो इट इज अब ग्रीन बीटल तो पत्तियों में छिप जाएंगे, कैन इजिली कैमोफ्लेज इन लीव्स एंड नॉट बीटन, नॉट ईटन बाई क्रोस, और उन कौओं के द्वारा नहीं खाए जा सकेंगे बाई क्रोस एंड एडाप्टेड बाई नेचर, इसी को कहते हैं सर्वाइवल एडवांटेज। और क्या हो जाएंगे, एडॉप्टेड बाई नेचर, जैसे पेरेंट्स हमें अडॉप्ट कर लें तो हमारी अच्छी देखभाल होती है कि नहीं, एडॉप्टेड बाई नेचर दे गेट सर्वाइवल एडवांटेज। नाउ दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, क्योंकि अब उन्हें खतरा नहीं है ना मरे मरने का, एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे बोलिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जानते हो कि नहीं जानते,
जैसे ड्रिफ्ट का मतलब तेजी, तुम्हें एक मालूम ऐसा ड्रिफ्ट लोहे की आती है, किसी पे मारो तो छेद हो जाता है, ड्रिफ्ट होता है, नुकीली होती है लोहे की, तो ड्रिफ्ट से क्या हो सकता है, कोई चीज तुम निकाल सकते हो, फंसी है किसी चीज में, तो ड्रिफ्टिंग का मतलब है तुम्हारी लाइफ में अचानक ड्रिफ्ट आ गया, तेजी आ गई। वैसे भी ड्रिफ्ट खूब यूज किया जाता है, तो उनको जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। हाउएवर द रेड बीटल्स कैन ईजिली बी ईटन बाई प्रीडेटर्स, कौओं के द्वारा खा लिए जाएंगे। रेड बीटल्स कैन बी लोकेटेड एंड ईटन बाई क्रोस एंड कैन नॉट मल्टीप्लाई। सो रेडली, यही बात कही गई है। तो हमने ये लाइन आगे क्या लिखी, ऑल वेरिएशंस आर नॉट हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। पढ़ो बुक में अगले पेज की शुरुआती लाइन क्या लिखा है, क्या सबको इक्वल काइंड ऑफ एडवांटेज मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। सही तो बोल रही हो, नॉट गेटिंग सर्वाइवल एडवांटेज, पहले वाले को उसे इक्वल भी नहीं बोला जा सकता है, नॉट गेटिंग सर्वाइवल एडवांटेज। एक को सर्वाइवल एडवांटेज मिला और दूसरे को इक्वल मत बोलो, एक को सर्वाइवल एडवांटेज मिला, रेड को कोई एडवांटेज नहीं, नेचर ने उसके साथ धोखा किया, उसको एडवांटेज मिला कि धोखा हुआ है, कुछ नहीं मिला, सिर्फ किसे मिला, ग्रीन वाले, समझ आए ना? तो वो नॉट गेटिंग सर्वाइवल एडवांटेज, सम आर गेटिंग सर्वाइवल। अब जैसे मैं तुमको बता दूं ये प्रेइंग मेंटिस है, अब बिल्कुल पौधे में छिपाओ पता नहीं लगा सकते, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं बिल्कुल लगता है पत्ते ही हैं, हिलते डुलते भी नहीं है देख के इंसान को, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इवन गिरगिट पौधों में छिपाओ पता ही नहीं लगता कि गिरगिट है। चलो इंटरेस्ट क्वेश्चन पे आओ, if a trait exists in 10% of population of an asexually reproducing species and trait bhi exists in 60%, to kaun isme pehle arise hua hai batao? 60% bataya now कौन बात कर रहा है बार बार, ये सृष्टि तो कहीं बात नहीं कर रही है, द ट्रेड बी एग्जिस्ट, ये तो कह रही है कि नहीं कर रही है। नाउ द ट्रेड बी एग्जिस्टेड इन, अगर नहीं कर रही होगी तो यहां से यहां तक बता देगी, नहीं अब कर रही होगी तो नहीं बता पाएंगे। सो ट्रेड बी एग्जिस्टेड इन 60% ऑफ पॉपुलेशन, सो इट हैज अराइजन अर्लियर, सो इट हैज, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अर्लियर एज, ऐसा इसलिए है बिकॉज द ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू other, so it has arisen earlier, so transferred into a large amount of population of same species, as jo traits hote hain are transferred, bahut zyada likhne ki zarurat nahi hai, bas transferred from one generation to other, transferred mein do r aayenge ki ek, kya batao ki dekhen transfer mein नहीं लिखा है, जनरेशन टू अदर, तो दैट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, तो जो ज्यादा में है वही है। हाउएवर 10% द पॉपुलेशन हैविंग वेरिएशन इज रिसेंटली अराइजन, क्या लिखे हैं, हाउएवर ये जो ट्रेट ए है ये ट्रेट बी है, however trait
ए इज रिसेंटली अराइजन एज इट इज फाउंड इन फ्यू. तो ये वन या टू जनरेशन बिफोर, मतलब तीन जनरेशन बिफोर होगा, वो छह सात जनरेशन बिफोर होगा, यही अंदर. अब देखो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन प्रमोट्स इट्स सर्वाइवल. अगला प्रश्न देखिए, वेरिएशन से क्या सर्वाइवल भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सर ये इधर वाला एग्जांपल देखते हैं, कब आई होगा तो ही दिखा देंगे. कह रहा है कि कैसे वेरिएशन प्रमोट सर्वाइवल. देखो बहुत अच्छा आंसर है, लिखो कि एज द क्लाइमेट इज एवर चेंजिंग एंड वेरिएशंस आर आल्सो इनएविटेबल, जो इनमें परिवर्तन आ रहे हैं क्या वे अपरिहार्य हैं, मतलब इन्हें रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल. और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, ये भी लगातार बदल रहा है. सो क्या लिखें, एज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशन जो लिखना चाहो लिखो, इज एवर चेंजिंग. तुम क्या समझते हो, जिस समय पहला बैक्टीरिया पैदा हुआ होगा उस समय जो क्लाइमेट था क्या वही आज है? तो अगर वेरिएशन ना हुए होते तो धरती पर हो सकता है कुछ भी ना होता, वो बैक्टीरिया भी ना सर्वाइव कर पाता. तो वेरिएशंस हुए, उनमें से कुछ बेटर सूटेड हो गए और कुछ एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट भी हो गए, वो नहीं सूट कर पाए ना, कुछ ना कुछ गड़बड़. जरूरी थोड़ी कि म्यूटेशन फायदेमंद हो, कोई अपंग बच्चे पैदा हो जाते म्यूटेशन की वजह से, नहीं, वेरिएशन से. तो क्या लिखा, एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग एंड साइड बाय साइड क्या होता है, वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, है बात कि नहीं? वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशंस टू जनरेशन. सो नाउ so species having a particular kind of variation, kind of variation are better suited to new environment. देख लो, कुछ उसमें से होंगे जो नया अभी अभी बदला उसमें वो better suit कर रहे हैं, are better suited to new climatic condition, climatic condition, and get adopted by nature. और फिर क्या, नेचर उन्हें adopt कर देगा. In this way they get survival advantage. इन दिस वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलर की वजह से, हो सकता है शेप की वजह से कुछ ऐसे हो जाए, और जैसे कद्दू के बीच में एक ऐसा जानवर कद्दू बन के बैठा हो वो छिप ही जाए, वो पंपकिन नहीं होता है, ऐसे ही जानवर हो, बिल्कुल ऐसा होता है, वो वही कैमोफ्लेज होते हैं जानवर, जो जैसे पेड़ होगा वैसे ही होंगे. तो अब ये क्या होगा, इन दिस दे गेट क्या पा जाएंगे, क्या सर्वाइवल एडवांटेज. इन्वायरमेंट वो डीएनए में चेंज है और इन्वायरमेंट में नहीं चेंज हुआ, लेकिन इन्वायरमेंट भी लगातार चेंज हो रहा है, तो उसमें भी कई अडॉप्ट हो जाते हैं. सर्वाइवल एडवांटेज एंड अदर जो स्पीसीज है, एंड द स्पीसीज हैविंग अदर काइंड ऑफ वेरिएशंस विच आर नॉट सूटेड टू एनवायरमेंट आर एलिमिनेटेड. वो खत्म हो गए, जो नहीं हो गए सूट वो क्या हो गए,
eliminated in this way, variation promotes the chance of survival advantage. Chance of survival बढ़ा रहा है कि नहीं? क्योंकि बदलाव हो रहा है तो हम भी तो क्लाइमेट के साथ साथ वेरिएशन में उनमें से कुछ तो बचेंगे हमारी जात के. मान लो 60 डिग्री हो जाए तो क्या अफ्रीका के इब्न बतूता जिंदा नहीं बचेंगे? हम मर गए तो मर गए, वो तो इतिहास जिंदा रखेंगे ना. हाउ एवर, ठीक है, एडवांटेज, हाउ एवर population having other kind of variation of variation जिनमें दूसरे तरीके के variations हैं are cannot cope up. cope up समझते हो कि नहीं समझते हो? cope up यानी वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाए. जैसे कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ cope up नहीं कर पा रहे, हम अपने शिविर में जाते हैं, तुम अपने शिविर में जाओ. कैंप नहीं बनता है, टेंट गाड़ा जाता है. कहते नहीं, हम तुम्हारे साथ, तुम जो है लॉन्ग वाला सब्जी खाते हो और हम जो है कलौंजी डाल के खाते हैं. हम भी तो कैन नॉट कोप अप विद एनवायरमेंट एंड गेट एलिमिनेटेड एलिमिनेट हो जाएंगे. इन दिस वे वेरिएशन प्रमोट्स चांस ऑफ सर्वाइवल. इन दिस वे वेरिएशन चांस ऑफ डिफाइन करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसके अलावा एक्वायर्ड ट्रेड्स. इनहेरिटेड ट्रेड्स in text question 1 and 2 but precisely मैं तुम्हारे सेंटेंस को समझ में नहीं आया. What does it mean by variation? That is the difference in characters, features, traits among individuals of a population. डिफरेंस होता है और एक डिफरेंस नहीं होगा, बहुत सारे डिफरेंस होंगे, इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? वेरिएशन. वेरिएशन आपके और कुत्ते और बिल्ली के बीच में नहीं देखा जाएगा, दो इंसानों के बीच में देखा जाएगा, तो उसको वेरिएशन कहेंगे. अब देखिए दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन.
सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ वेरिएशन, ये लाइन पूछी जा सकती है, क्वेश्चन भी आ सकता है। सो वेरिएशन प्रमोट्स द चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसके सिग्निफिकेंस है वेरिएशन प्रमोट चांस ऑफ सर्वाइवल। आप किसका सर्वाइवल अर्पिता है, इंडिविजुअल का कि स्पीशीज का? ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये करता है एंड ओनली इफ ये चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देगा। सो वेरिएशन प्रमोट्स चांस ऑफ सर्वाइवल इफ इट कंटिन्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि कई तो ऐसे भी हैं जो कोप अप नहीं कर पाए और मर गए, तो तभी चांस ऑफ सर्वाइवल, पहले तो कंटिन्यू ही रहे। शर्त ये है इफ इट कंटिन्यूज, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये ऐसा कर देगा, तो ये इसके बढ़ने के। और दूसरी चीज वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन लीड्स स्पीशिएशन। उससे बहुत सारी प्रजातियों का जन्म होता है, बिल्ली कुत्ता, और उसी से तो ये दुनिया सुंदर है। सभी आदमी होते तो क्या सुंदर होते, जब तुम्हारे हाथ में चीकू होता है तो कितना अच्छा लगता है। सो होता है कि बिल्ली का नहीं अच्छा लगता है एक दूसरे जाति के जानवर को देखने, देखो देखो ये चीता है, देखने जाते पैसा खर्च करके, इंसानों को देखने कोई चीजू में जाता है क्या भला? तो वेरिएशन से क्या होता है, एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड्स, इससे क्या होगा बोलो, इवोल्यूशन, विकास होगा। एंड इवोल्यूशन से क्या होगा बोलिए, लीड्स स्पीशिएशन, स्पीशिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, लीड्स स्पीशिएशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसको इसी तरीके से ही आपको लिखना है, इसमें कुछ देव तो नहीं कर सकते हैं। नाउ सो तीसरी चीज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म, ऑफ डीएनए दैट इज बिफोर डिवीजन ऑफ सेल इट लुक्स लाइक एक्स लेटर ऑफ अल्फाबेट, बिफोर डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होगा ना तो ये किसकी तरह दिखेगा, डिवीजन ऑफ सेल इट लुक्स लाइक, कैसा दिखेगा, एक्स अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। अदरवाइज ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो दिखने में ये ऐसा होगा और इसमें कई तरीके के अलग अलग बैंड्स होंगे, लेकिन डिवीजन के पहले ये मल्टीप्लाई कर जाएगा और कैसा दिखेगा, ऐसा, ये बिफोर डिवीजन है। जब इसमें ये डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो ये सेंट्रोमियर से टूटता है कि नहीं, ये बिफोर डिवीजन। ओके, What is gene? A long strand of DNA which determines one trait or one feature in us. A long
थ्रेड, वैसे ही अगर खोल दो तो ये डीएनए है, तो इसी में से अगर कोई एक पार्ट है तो ये जीन है, इससे हमारी नाक का शेप डिसाइड होगा। तो अलॉन्ग स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड यस, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सेगमेंट यानी इसका टुकड़ा, या फिर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन अ पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट को फीचर कहते हैं। नाउ वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स दैट इज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सो वी आर हैविंग पेयर्ड क्रोमोसोम्स। सो अब देखिए, वी इनहेरिट, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट, फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन में तो हम दोनों से पा लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड नाउ जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वो पहला सेल है जिस, जो हम लोग माँ के यूट्रस के अंदर थे या फिलोपियन ट्यूब के अंदर, तो हम वहीं पे पैदा हुए। दैट मीन्स जाइगोट क्या है, जाइगोट इज फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। लकी सेंटेंस को पूरा करो, जाइगोट इज फर्स्ट सेल। ईशान, ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इट कंटेन्स दैट इज फुल सेट ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, इसमें क्या चीजें होंगी, पेयर्ड क्रोमोसोम विच कंटेन्स कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उन्हीं में हमको वो पूरा प्रोटीन नहीं मिलता। अब एंड प्रोटीन डिटरमाइंस द फीचरिनेस, बोलो क्रोमोसोम क्या करते हैं बताइए भाई, तुमको दो काम तो पता है, दो काम मालूम है कि नहीं डीएनए के, एक डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा प्रोटीन, ये बता रहे हैं, ये ट्रेट ट्रांसफर बता दिया उन्होंने, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के दो काम है, एक रेप्लिकेट होना, एक डीएनए से दो डीएनए बनना, और एक है जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो आरएनए इसके पास आएगा, कहेगा हमको प्रोटीन बनानी, उसका चेहरा बनाना है, हाथ पैर नाक बनाना, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, तो डीएनए के दो काम पूछे जाए तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ही बताना, और नहीं तो सबसे प्लेनली जैसा सौम्या बताती है प्रोटीन सिंथेसिस, वही तो बोला अभी, कहते हैं हमको इतने कठिन नाम नहीं याद होते, हम तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस करके जानते हैं, अभी बोला कि नहीं। तो ये चीज देखिए, तो अब हम क्या कहेंगे, प्रोटीन, ये क्रोमोसोम कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी में 2000 प्रोटीन, सो क्रोमोसोम जो वो ACTG है ना, वही कोड है और कुछ कोड नहीं है। तो क्रोमोसोम कंटेन, अब तुमको ये बात मालूम है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही प्रोटीन बनाया जाता है, ये भी तो पता होगा, RER पे और SER पे फैट बनाया जाता है। तो क्रोमोसोम कंटेन कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन डिटरमाइंस अवर फीचर, और प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन determines features in us, ठीक है। एक लाइन में बोलो रोमिल, जीन क्या है,
जमाई आ रही आपको, जमाई बाबू बने हो, बताओ जीत क्या है? जब तुमको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तब तुम्हें तो जमाई आएगी, तुम पता ही नहीं चल रहा जीन क्या, तीन दिन से हम स्ट्रगल करें तुमको यही नहीं समझा पाए जीन क्या, इसलिए तो जाएगा के जिस जीने पे हम चलते हैं सीढ़ी पे वही जीन है, उसका आधा नाम है जीन। तो ये तुमको पता चल गया कि प्रोटीन डिटरमाइन करता है। ओके, अब जरा देखिए, सो जीन इज ओनली द मेथड बाय विच ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब वो हमें क्रोमोसोम देते हैं, क्रोमोसोम से हम पूरा का पूरा क्या बना लेते हैं अपना शरीर, तो इसी से तो सब कुछ हो रहा है, वो रिप्लीकेट होता जा रहा है। एक मदर सेल से दो सेल का तो हमने डिवीजन देखा ही था, उनको सिर्फ क्रोमोसोम देना है और उसे हमारे अंदर बन जाए ना। अब देखिए, जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, जैसा रोमिन ने बताया, बोला हमें ये डेफिनेशन सही होगी, तो उसकी डेफिनेशन भी चाहो तो लिख सकते हो। जीन्स आर ऐसी कई यूनिट्स हमें ट्रांसफर होती है, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। अनुवांशिकी की एक इकाई मात्र है, हेरिडिटी तो अनुवांशिकी कहते हैं ना, और अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखो, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के एक न्यू डेफिनेशन, न्यू लिखो, डोमिनेंट जीन द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस, द जीन डिटरमाइन द जीन विच डिटरमाइन डिसाइड्स द अपीयरेंस, वो क्या करता है हमारे अंदर डिसाइड्स, जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर अपीयरेंस आता है, हमारी शक्ल सूरत नाक नक्श अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन, इसमें और उसमें सिर्फ ये इवेंट का अंतर है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, और कुछ अंतर नहीं। मतलब जो हमारे अंदर अपीयरेंस डिटरमाइन करे, तो जिस जीन ने डिटरमाइन किया, जीन्स डिटरमाइन करती कि जीन, एक जीन करे कि पेयर में होती हैं, लेकिन एक डिटरमाइन, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। अब रिसेसिव जीन, रिसेसिव की दुआ की डेफिनेशन बताओ, ऐसी बात नहीं है, अर्पिता बताओ, बहुत अच्छा, डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओनली, उसमें इवन लिखना और इसमें क्या लिखना बताओ, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, निशान दोनों को रिपीट करो, बताओ, बताओ, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, रिपीट करिए पीयूष, व्हाट इज डोमिनेंट जीन, अपीयरेंस इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। अब बताओ रिसेसिव जीन,
being which resides appearance only in presence of identical gene. सही है, जीन along strand of segment of DNA. हाँ ठीक है, अब थोड़ा और बताओ, ये incomplete है, थोड़ी लाइन और बताने को. Which determines the which determines one trait, जो एक trait को determine करे, है ना, ये one character, उसको क्या कहेंगे? What is variation? अंशिका. So the differences in the characters or traits which we inherited or inherited within a population. जो डिफरेंस पाया जाए विदिन पॉपुलेशन, तो एक स्पीसीज की होती है. जैसे कोई अगर आप मुझे पॉपुलेशन बताओ शहर की, तो आप पूछोगे किसकी, मतलब मंगूस की बताने की छुट्टी, तब आप पूछोगे इन सीधे इंसानों की बताओगे तो कहते हैं देखो पूछ के ले लेंगे इसकी पूछ में बताने विदिन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, उसको क्या कहेंगे कि जो डिफरेंस इन करेक्टर्स है. ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन प्रमोट्स चांस ऑफ सर्वाइवल इफ इट कंटिन्यूज जनरेशन बाय जनरेशन. और सेकंड है जनरेशंस आफ्टर जनरेशन. वेरिएशन अक्युमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म तो मैं थोड़ी होगा वो तो मर जाएगा. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पीसिएशन. रिपीट करो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन प्रमोट्स चांस ऑफ सर्वाइवल इन स्पीशीज ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सेकेंड वेरिएशन अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू से जनरेशन. अभिषेक बताइए ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ सर्वाइवल इन स्पीशीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन लीड्स टू स्पीशीज. ठीक है, थोड़े से मार्क्स और जोड़िएगा. Now, symbolic representation of a particular pair of gene is called genotype. It is expressed by a pair of alphabets, English alphabets, either in capital or small or capital and small. क्या चीज हुआ genotype बताइए? Symbolic representation of pair of gene. Of pair of gene. इतना भी लिख दोगे इस कॉल जीनोटाइप. और जो वर्ड्स में वो फेनोटाइप. हाँ, जीनोटाइप दैट इज सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर. वैसे तो हमारे अंदर एक ही क्रोमोसोम में 2000 जीन होती हैं, अब 23 क्रोमोसोम में जाने कितनी होगी, कितने करेक्टर हो. सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट या फीचर. ठीक है, इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे, जीनोटाइप. इट इज एक्सप्रेस्ड by a pair of English alphabet for example TT or TT or tall pea plant. यही बात होती है कि नहीं, और tall pea plant और क्या लिखेंगे, small TT for सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन को जीनोटाइप कहेंगे. व्हाट डज इट मीन बाय फीनोटाइप?
that is the character which is visible in an organism. The character which is visible in an organism. एंड ऐसा करेक्टर, ऐसा नहीं कि कह दो ये मेरा स्कैर है, इसका जीनोटाइप बताओ, बेचारे स्कैर तो कौन जीनोटाइप बता पाए, विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसे फीनोटाइप का ही जीनोटाइप बताया जा सकता है। कह दो कि देखो हमने यहाँ लाल लाल कलर लगा दिया, बताओ जीनोटाइप कैसे कोई बता देगा। जो चीज इनहेरिटेड है तो हमें इस सेंटेंस को कैसे पूरा करना चाहिए, द करेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म एंड इज इनहेरिटेड या एक्वायर्ड, जो तुमने एक्वायर किया उसी का जीनोटाइप होगा। करेक्टर विच इज विजिबल उसको फिनोटाइप कहेंगे और उस फिनोटाइप का एक जीनोटाइप भी होगा। एक्वायर नहीं, इनहेरिटेड ना। सो फॉर एग्जाम्पल दैट इज टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज फिनोटाइप और उसका जो भी जीनोटाइप हो उसे ही है। वॉट इज जेनेटिक्स और इसके जनक कौन, दैट इज देखो अनुवांशिकी के पिता कौन है, जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, वो किसे करती है, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इसकॉर। तो ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो इस बात का अध्ययन करती है कि कैसे करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में आए, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इट्स फादर यानी इट इज वाइडली स्टडीड बाई ग्रेगर जॉन मेंडल, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो इट इज वाइडली स्टडीड बाई ग्रेगर जॉन मेंडल। So it is studied. So he is called father of genetics. तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है, ठीक है ना। ही हैज डन ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो फाउंड द रीजन ऑफ इनहेरिटेंस, कि इसके पीछे जो हम माता पिता से करेक्टर पाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने माना कि जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो लेकिन उस समय जीन वर्ड नहीं था, डीएनए की खोज 1975 में हुई है, ये तो बहुत पहले के हैं। तो उन्होंने जीन को फैक्टर वर्ड दिया, उन्होंने बोला जो हमारे अंदर करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो फैक्टर की वजह से होते हैं, जीनोटाइप नहीं बोलते थे वो, फैक्टरोटाइप बोलते, फैक्टर जीन नहीं बोलते थे वो, उसको क्या बोलते थे, फैक्टर। उन्होंने कहा फैक्टर है और वो पेयर में होते हैं। सो ही हैज डन ए सिस्टमेटिक स्टडी of transfer of traits. He has done a systematic study of transfer of traits in pea plants. क्योंकि तीन महीने में इसका फोटो पीरियड पूरा हो जाता है मटर के दाने से। Systematic study of
हाँ बोलो। ये वाला जो पंखा है उन्हें ये वाला दे दीजिए और वो ऊपर वाला बंद करवा दीजिए। कौन सा वो कितनी दूर है? फिर भी सर पैरों में बहुत ज्यादा लगती है। यार ना इधर बैठ जाओ, इससे तो तुम्हें ये इधर आ। हम ये उनकी तरफ भी कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना किसी को तंग दुखी क्यों करना, किसी सबके अपने अधिकार। सो अ लॉन्ग स्टैंड ऑफ क्या चीज बताइए? ऑफ ट्रांसफर ऑफ। उन्होंने क्या चीज ट्रांसफर की पढ़ा? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीड्स, इस चीज के बारे में उन्होंने, ठीक है, इन पी प्लस इसमें किया पी प्लस, और उसी में ही अपनी थेसिस लिखी, सारी थ्योरी लिखी। चल अब देखिए, ओके, व्हाट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन? फिलियल जनरेशन दैट इज F1 जनरेशन। व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस, व्हेन टू दो होंगे पेरेंट्स, अब वो दोनों कैसे होंगे? होमोजाइगस, यानी दो प्योर ब्रेड, टू प्योर ब्रेड। अब जैसे प्योर ब्रीड होती है ना, तो ब्रीड से ही ब्रेड बना है, तो इससे पता चलता है वो उसका प्लूरल है। तो टू प्योर बी आर ई डी बोला जाएगा या होमोजाइगस, होमो होमोजाइगस, इसका मतलब है प्योर टॉल एंड प्योर डॉग, या फिर आप प्योर ग्रीन पॉड एंड प्योर येलो पॉड ले। सो होमोजाइगस टू प्योर ब्रेड, ठीक है, प्लांट्स टू प्योर ब्रेड प्लांट्स, ठीक है, या तो उनमें क्या हो कि वन डिफरेंस, कोई एक डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? सो Having one contrasting feature, having one contrasting का मतलब समझते हो? बात ना करो। One contrasting कौन कौन से feature बताए? हाँ बोलो। Pure, tall. बहुत अच्छा। Contrasting feature, that is tallness and dwarfness. Green people, yellow. ये क्या करे बताइए? क्रॉस पॉलिनेट विद ईच अदर, देन व्हाट एवर सीड्स आर बॉर्न आर कॉल्ड F1 जनरेशन, क्रॉस पॉलिनेट विद ईच अदर। आपस में उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, विद each other, then the plants of next generation, then plants of next generation are called, sentence pura karo Soumya, with each other of next are called heterozygous. Bahut acha, बहुत दूर से नहीं है, अभी थोड़ी मैं देख रहा हूँ कि वो इधर करी उधर करी, देखो आवाज आई, वो यही सब कर रही थी। तुम कैसे पढ़ लेती हो इसके बगल बैठी, तुम्हारे अंदर काफी कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट जनरेशन, देखो वो ये भी नहीं बता पाएगी किसकी डेफिनेशन, कहाँ से नहीं है पता नहीं, कहाँ से नहीं, ये भी नहीं बता पाएगी कि साइंस पढ़ेगी मैथ। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसे फर्स्ट फिलियल कहेंगे। अगर टू होमोजाइगस पेरेंट्स हैं और उनसे हमको जो मिलेगा क्रॉस ब्रीडिंग से, तो उन्हें क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। नाउ अब जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के
जितने भी प्लांट्स हैं उनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, देन व्हाट एवर नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स आर फॉर्म आर कॉल्ड सेकंड फेलियर। ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब क्या करना हो, यही रूल है। तो अब बताओ सेकंड फेलियर जनरेशन क्या हुआ? प्योर अब नहीं है, अब मिक्सिंग हो गई भाई। कल हमने नहीं दिखाया था टाल डोम में हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी के चार बने थे। सो व्हेन अब वो मैं बताऊंगा आपको। तो व्हेन एफ वन जनरेशन के प्लांट, सो अगर मान लीजिए क्या करें, व्हेन जो इनके गेमीट्स होंगे ना ऑफ किसके, एफ वन जनरेशन के, when gametes of F1 generations are self-pollinated, then the plants formed of next generation, इससे जो next generation है, then the plants formed of next generation are called second filial generation। फाइल से फिलियल बना, फाइलिंग करो कि कितने तुमने मोटे पाए, कितने लंबे, कितने नाटे पौधे पाए, फिलियल, क्योंकि तुमसे रिपोर्ट पूछी जाएगी थोड़ी थोड़ी देर में, तुम कहां तक रिपोर्ट देती फिरोगे। F2 जनरेशन, आधी मटर तो तुम खा ही लोगे। अब जरा देखें व्हाट डज इट मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिड क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि आजकल तुमने बहुत सारे मैंगो खाए जिसमें गुठली नहीं है, और ऐसे पपीते खाएं जिसमें बीज नहीं है, ऐसे अमरूद है, सब हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं आजकल, आप सीडलेस प्लांट सब पूरा। सो दैट इज, ये युग ही हाइब्रिड प्लांट का है कि अगर आप मान लीजिए डंठल की तरफ से खाओ तो आम का मजा, नीचे से खाओ तो अमरूद का मजा। हाइब्रिड प्लांट का मतलब है व्हेन two different plants of same species cross with each other, then a new variety of plant is found, उसको क्या कहेंगे, hybrid plant। जैसे मैंने ऐसा सांप नहीं दिखाया था जिसका चूहे जैसा मुंह, मैंगो का मैंगो से ना अलग, लेकिन दो डिफरेंट वैरायटी का कराए तो एक एक ऐसा मैंगो लो जिसमें गुठली नहीं है लेकिन बिल्कुल सड़ा गला पिलपिला टाइप देखा है, और एक ऐसा लो कि खूब अच्छा पल्प है लेकिन गुठली भी बड़ी है, जब क्रॉस कराओगे तो उसका पल्प अच्छा हो, इसकी गुठली नहीं, दोनों का गुण मिल गया, अच्छा पल्प विदाउट, समझो। एक ऐसा मैंगो है जिसकी गुठली बिल्कुल पतली सी है पेपर टाइप, और लेकिन वो उसका कड़वा कड़वा है, और एक है कि खूब बढ़िया पहाड़ी आम पहाड़ों जैसा, अब गुठली भी मोटी मोटी, अब क्रॉस करा दो तो पल्प अच्छा पतली गुठली, और धीरे धीरे ऐसे ही क्रॉसिंग करा करा के लोगों ने बिल्कुल पार्थेनो कार्पी बना डाली बिना गुठली का, सीडलेस। हाँ तो दसियों बार कराते हैं तब एक एक्सीडेंटली वैसी वैरायटी मिल जाती, एक बार थोड़ी होती है। इसी काम का तो तुमको 40,000 मिलेगा जब जेनेटिक्स में जाओगे, वहां दिन भर प्रैक्टिकल करती रहोगी, बन गया बिना गुठली का आम बन गया, बेचो। यही तो करते हैं लोग, और क्या करते हैं। अब जरा देखो हाइब्रिड प्लांट, व्हेन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम स्पीशीज आर क्रॉस्ड ओवर, देन ए न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट। व्हेन टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज प्लांट आर क्रॉस्ड ओवर, उनका क्या किया जाए,
then mu variety of plant is formed. It is called, उसे क्या कहेंगे? Hybrid. So when two pure bred plants of the same species की होने चाहिए ना? Two different variety. F1 generation वाले में hybridization कैसे भी करा जा सकता है कि मतलब hybrid है। माने कि F1 generation वाले में जो आपने definition है, तो उसमें तो one species की होने चाहिए ना? इसमें ना हावन टू प्योर ब्रीड प्लांट्स हैव ना वन सेम स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज के होंगे तभी तो जनरेशन बनेगी। अभी मत करना, फिर लिख दो प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। लिखना हो तो जेनेटिक्स तो पढ़ रहे हैं, इसमें ही अंडरस्टूड है ऑफ सेम स्पीशीज। शुरू शुरू में हमने लिखाया था लेकिन फिर ये अंडरस्टूड हो गया, समझ में आगे बात लिखने की बहुत जगह इसको स्किप भी किया गया क्योंकि अंडरस्टूड है। ठीक है, हम लोग 6:30 तक पढ़ेंगे, कुछ चीजें देखेंगे, थोड़ा सा कम कर दिया। अब आपसे हम कुछ डेफिनेशंस भी पूछें। चलो नाउ डिफाइन जीनोटाइप फीनोटाइप हाइब्रिड प्लांट F1 जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी की सारी यही इस जेनेटिक्स के चैप्टर को समझने में मदद करेंगी। जनरेशन F2 जनरेशन, पहले ये 5 डेफिनेशन लिख के दिखाऊंगा और एक जेनेटिक्स भी लिखा जितना इस पेज पे। जेनेटिक्स वाला पूरा पैराग्राफ में सर जेनेटिक्स में लिख देना, ये है इट्स फादर इज ग्रेगर जॉन मेंडल। इसे बनाओ मेंडल मॉन्टेसरी में पढ़े थे जहां दान के पैसे से पढ़ाई होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मेंटेसरी में पढ़े थे मॉन्टेसरी में, और वहाँ पर ये साइंस और मैथ्स पढ़ने गए थे, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। तो ये वियना कौन से कंट्री में पड़ता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ना, हाँ वियना में। फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, वो फेल हो गए वहाँ साइंस और मैथ पढ़ने गए थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन पास नहीं हो पाए, तो इसलिए He came back to Montessori, और वो आ गए वापस में चर्च में, और वहाँ चर्च के पास बहुत बड़ा पार्क था, तो वहाँ पी प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए। अब पी प्लांट्स उन्होंने उस पर उन्होंने फिर खोज की, बहुत सारी रिसर्च की और कंट्रोल्ड क्रॉसिंग कराई कि इतने कितने कराएंगे, एक का जैसे मैंने बताया कि कार्ड पर रहने दिया, एक का स्टेमन काट दिया, इसी से करके भी कंट्रोल्ड क्रॉसिंग कराई। तो उसके जो रिजल्ट सामने आए उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बनाए जो अभी तक वैलिड है। तो अब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, जमा करते हैं सो दैट वी कैन गो फॉर द फर्स्ट लॉ। सर लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड है। फिर अब पहला वाला है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब जो दूसरा वाला लॉ आएगा दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, एंड उसमें हम देखेंगे एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तीन लॉ हैं, जैसे इन्होंने बताया ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को आप चाहें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सभी ने जमा कर दिया है, लेट अस सी, कोई रह गया तो जमा करो, जरूरी चीज है ये। चलो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है, तो पूछा जा सकता है कि व्हाई ही हैज चूजन पी प्लांट। सो मेंडल हैज चूजन पी प्लांट एज
इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, क्योंकि इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। जैसे टॉलनेस एंड डॉफनेस, कलर ऑफ पीपॉड, कलर ऑफ पीपॉड ग्रीन एंड येलो, शेप ऑफ पीपॉड, शेप ऑफ पीपॉड दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड, कलर ऑफ फ्लावर पर्पल एंड व्हाइट, कलर ऑफ फ्लावर और भी है, हम उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते, दैट इज पर्पल एंड व्हाइट, मतलब क्रीसेंट। इनका जो पी पॉड है ना, मटर के छिलका का पूरा दाना पॉड, वो कैसा है वो सब हम नहीं जानना चाहते, बुक में 7 दिए हैं लेकिन हम इन्हीं में काम चला लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज की इसमें कंट्रास्टिंग फीचर है, इट्स फोटो पीरियड इज ओनली ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। सो पी पॉड, पी प्लांट एज फोटो पीरियड, तो ये जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फोटो पीरियड ऑफ फोटो पीरियड क्या है, 3 मंथ्स है। इट्स स्टेमन एंड कार्पल्स आर सेपरेट, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, डाइसेक्टेड आसानी से। किसी का स्टेमन काटना चाहो तो भी कट जाएगा, कार्पल काटना चाहो तो भी कट जाएगा। सो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स आर फीजिबल। अब जैसे मैंने गुड़हल का दिखाया था, उसमें ऊपर ही ऊपर था, क्या पता गिरी ना गया हो, नहीं दिखाया था गुड़हल का हिबिस्कस, तो वैसा यहाँ नहीं है। सो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पॉलिनेशन, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कैन बी कैरीड आउट इजिली, कैरीड आउट इजिली, यही सारे रीजन है। ये 3 नंबर का खुद का क्वेश्चन आता है, व्हाई ही हैज चूजन पी प्लांट, तो मेंडल हैज चूजन पी प्लांट ड्यू टू दिस रीजन। अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ के लिए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करें कि अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ नहीं बता रहा हूं अभी, पहले करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसी पे तो लॉ बनेगा। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो सबसे पहले आप पेरेंटल क्रॉस कराइए, उसका नाम यहां लिखो पेरेंटल क्रॉस। उसमें आपको पेरेंट्स का फीनोटाइप लेना होगा और सिर्फ एक ही वेरिएशन होना चाहिए, सिर्फ डॉटनेस ले लो या डॉटनेस, बाकी आइडेंटिकल हो, दैट मीन्स पेरेंटल फीनोटाइप, कैसा उसका अपीयरेंस, उसे फीनोटाइप कहते हैं। तो क्या क्या लिख लें पेरेंटल क्रॉस में, बोलो। दैट इज पेरेंटल फीनोटाइप में टॉल और डॉफ। नाउ पेरेंटल जीनोटाइप फाइका, बोलो क्या लिखें, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और यहां अब यहां क्या लिखें भाई, बताना तो होगा ना, टाइप ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी जो उसका फ्लावर है उसमें गैमेट्स बनेंगे कि नहीं, तो फ्लावर है तो उसमें हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा, लेकिन चूंकि इनके जीन तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो सब जो बनेंगे हाफ होगा भी तो एक ही जैसे सारे हाफ होंगे, तो इसलिए इसमें कौन तरीके के गैमेट बनेंगे बताओ जरा, और इसमें अच्छा इसमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, जो दो मैं दिखा रहा हूं,
आगे अब एरो लगेगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हो या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या लिख दें, क्रॉस पॉलिनेशन, और आप चाहें तो क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे गैमेट्स का तो क्या क्या चीजें बनेंगी, ओके। सो अब देखो इस वाले में जब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इसका पॉलन और इसका स्टिग्मा, फिर इसका और इसका, और इसका और इसका, और इसका और इसका, यही चार तो संभावनाएं हैं। मतलब पहले वाले के पॉलन ले लो और दूसरे वाले के स्टिग्मा ले लो। तो अब जब इसको किया तो क्या क्या मिलेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ एरो लगेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ध्रुवांशी ये क्या चीज बनी, F1 जीनोटाइप। इसके नीचे अर्पिता क्या लिखें, F1 फीनोटाइप। में क्या ये टॉल रहेगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये टॉल। आप यहां पर इसकी रिपोर्ट तैयार करो, पहले की रिपोर्ट। सो व्हेन टू होमोजाइगस वैरायटी ऑफ टॉल एंड डॉफ प्लांट आर क्रॉस ब्रेड, व्हेन ये क्रॉस पॉलिनेटेड, व्हेन टू होमोजाइगस वैरायटी, होमोजाइगस वैरायटी, ठीक है, ऑफ वन टॉल एंड वन डॉफ पी प्लांट, डॉफ पी प्लांट आर क्रॉस पॉलिनेटेड, देन ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, जनरेशन आर टॉल। अगर कोई ये ना लिखना चाहे तो इसका दूसरा भी तरीका है, ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल, उसमें पूरे नंबर है, ऑल प्लांट्स इन, और यही सब लिखते हैं आप, यही लिखे, लेकिन मैंने आपको पूरी भी चीज बता दी कि ऐसे ये पूरी चीज है और ये थोड़ी चीज है, हाँ यही लिखते हैं सब लोग, सब जगह यही लिखा देखो, ठीक है। और ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल। अब जब वो प्लांट तुम्हें मिल गए तो क्या आप F1 क्रॉस कराओगे, वहां क्या लिखा है बोलो, पेरेंटल क्रॉस, और अब क्या कराने जा रहे हो, F1 क्रॉस। क्या F1 में जो मिले सब टॉल ही मिले, तो अब दो टॉल पौधे ले लो, तो टॉल और टॉल यहां भी रहेगा और टॉल, लेकिन उनसे कह दो कि अब चाहो सेल्फ करो, इससे इसी में करे या इसमें करे, फायदा क्या, सबका जीनोटाइप तो एक ही है ना, अपने में गिरे उसमें गिरे उसमें तो कुछ पता तुम्हें चल नहीं रहा, लेकिन इसका जो टॉल मिला है क्या वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस, क्योंकि यहां देख लो तो इसके गेमीट्स में दो संभावनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, दैट इज F1 फीनोटाइप, और ये क्या है बोलो, F1 जीनोटाइप, और अब इनके टाइप ऑफ क्या लिखेंगे बोलिए, गेमीट्स। तो दो तरीके के गेमीट बनेंगे, क्योंकि जिसके क्रोमोजोम में हमने बताया पेयर में जीन है, क्या पता कौन सा किसमें रह जाए गेमीट में, तो टी टाइप का भी पॉलन बन सकता है और या फिर ये भी पॉलन बन सकता है, हाफ ही अमाउंट तो रहेगा। अच्छा, इसकी स्टिग्मा यानी इसका जो ओवा में वो कैसा कैसा बन सकता है, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी। अब जब इनका क्रॉसिंग पॉलिनेशन है, वैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन, इनको ऐसा ही छोड़ दो, कह दो मरो खेत में तुम लोग, अपना जो उगाना है सो उगाओ। अब इसमें किसी का स्टिग्मा नहीं काटना है, किसी का पॉलन नहीं काटना है, होने दो पॉलिनेशन,
क्योंकि सब तो एक तरीके के ही है ना, तो इसमें कोई कंट्रोल तो नहीं करना ना आपको कि नहीं टॉल वाले का एक लेके डॉफ में ले जाना है। तो इस चीज को हमने क्या लिखाया था F2 जनरेशन के लिए, क्या सेल्फ पॉलिनेशन लिखाया था? सो इस चीज को भी लिखेंगे, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉसिंग ओवर यहां पर भी है, पॉलिनेशन। तो लिखो सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या होगा? ठीक है, मिस क्रॉस ब्रीडिंग एंड क्रॉसिंग ओवर एक ही है, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स, इसको सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। अभिषेक बोलो क्या क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, हाँ स्मॉल टी कैपिटल टी होगा तो भी टी पहले ही लिखा जाएगा फिर, और स्मॉल टी ये कैसा प्लांट होगा? ये टॉप, ठीक है। तो इससे क्या तुम्हें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या पता चला? क्या F2 जनरेशन में वो अपनी प्योर वैरायटी निकालने में सफल हो पाया कि पूरी तरीके से वो नष्ट ही हो गया, छिपी गया? नहीं, उसने अपनी अपने को रिफ्लेक्ट कर दिया कि हम भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब लंबे लंबे हैं, नाटे भी हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि दो पेरेंट्स हैं, दो लंबे लंबे लोग अगर शादी करेंगे तो क्या उनके बच्चे नाटे भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बोलो। अब जैसे इन्होंने कहा हो सकते हैं, देखो ये बोला इन्होंने कि दोनों अगर दोनों हिटरोजाइगस हुए तो हो जाएंगे। ये मतलब क्या बताया आपने ने हम सबको कि उनमें उन्होंने चार बच्चे पैदा किए तो संभावना है कि एक बच्चा नाटा भी पैदा हो जाए, दोनों लंबे थे तो उसमें क्या है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि नाटा भी पैदा हो जाए। समझ में आएगा, हिटरोजाइगस में ये चीज हो सकती है। तो अब हम लॉ लिखें। अच्छा इसकी रिपोर्ट क्या है? In F2 generation, देख लो रेशो ऑफ जीनोटाइप, देखो TT इस टू TT और इस टू स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर उन्होंने 315 प्लांट उगाए थे, देख लो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ होगा कि कितने प्लांट उगाए, कितने क्या मिले, सारी रिपोर्ट उन्होंने दी। अब फिर उसके आधार पर बाद में, नहीं तो आप रेशो लिख दो, वही काफी है, बुक में भी बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इनका रेशो बताओ, क्या ये 1:2:1 है? ये दो है ना, अगर 100 उगाओगे तो 25 प्योर टॉल होंगे, 25 प्योर डॉफ होंगे और 50 मिक्स ब्रेड। अच्छा अब इनका रेशो टॉल वर्सेस डॉफ का भी करो, वो भी तो एक रिपोर्ट होगी। टॉल वर्सेस डॉफ, दैट इज 3:1। इतनी बात हो गई। अब हम एक लॉ लिखने जा रहे हैं और नेहा तुमसे बुलवाएंगे, तो मैं अब कौन सा लॉ लिखने जा रहा हूँ बोलो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी ये तो पता चल गया कि डॉफनेस सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है खुद को, ये बात है कि नहीं? चलो ओके, लेट अस राइट नाउ लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर्स। जीन नहीं बोला उन्होंने, उस समय जीन वर्ड था ही नहीं। इंटरनल फैक्टर्स, अंदर कोई चीज है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए भी नहीं जानते थे, उस समय नाम ही नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने बोला इंटरनल फैक्टर्स, कोई अंदर की चीज है जो इसे डिटरमाइन करे। क्या लिखे फर्स्ट लॉ? देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, द करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, इनको जीन इनका नहीं पता था, लेकिन इन्होंने अंदाजा लगाया क्या चीज है ये, क्यों ऐसे कंट्रोल है। बोला अंदर कोई दो चीज है जिनमें से एक ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, यहां से ये अंदाजा लगाइए।
मटर के दाने जो भी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उलझ गई है, ऐसे क्यों हो रहा है, हर बार वही क्यों आ रहा है, तीन बार किया, चार बार किया, परेशान हो गए। बोले दो चीजें हैं पेयर में और एक ही इसमें आप आ रही है। उसे उन्होंने कहा ये चीज भाई पेयर में है फैक्टर। और बाद में जीन आया, मतलब जीन और पेयर फैक्टर से कोई मतलब नहीं, लॉ तो वही है, तो मेंडल को नाम दिया गया, अभी भी क्रेडिट ही नहीं बजाता। तो क्या बोला, द कनेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड, इसके द्वारा डिटरमाइंड होते हैं बाय इंटरनल फैक्टर्स। विच अकर इन पेयर, विच अकर इन पेयर, आप ब्रैकेट में चाहे लिख दें नाउ कॉल्ड जीन्स तो गलत नहीं होगा, वहां लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी लिख दो, ठीक है। विच अकर ओनली वन ऑफ द फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट, क्या ये गैमेट्स ही नहीं है और इनमें एक ही होता है, गैमेट एक कोई कैरी करेगा। ओनली वन ऑफ द फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट, दोनों फैक्टर नहीं होंगे, आधा हो गया ना क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया, ओनली वन ऑफ द फैक्टर इज प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, सिंगल गैमेट की बात समझ आ गई। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसके बाद जो हो रहा है वहां तो हमें दिख ही रहा है कि सेग्रीगेट हो गया, तो वो पूछा जाएगा जस्टिफाई करो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, फिर उन्होंने कहा तो फिर पूछा है क्वेश्चन बुक में जस्टिफाई करो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बोलो फर्स्ट फिलियल में सभी टॉल मिले ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कोई कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोई कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सब अलग अलग तरीके से इसे देख रहे हैं, वो कोई कह रहा है सेकंड जनरेशन में देखो अलग हो गया सेग्रीगेट हो गया, और यश कैसे देख रहे हैं डोमिनेट हो गया, तो यस इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं, कोई उसे चांद को देख के लड्डू बुला रहा है, कोई कह रहा है देखो कितना बड़ा बल्ब जल रहा है, सब अपने अपने तरीके से कभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो सौम्य बताइए व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड समथिंग इंटरनल कॉल्ड फैक्टर्स व्हिच आर व्हिच अकर इन पेयर्स, ओनली वन ऑफ देम characters of an organisms are determined by internal factors which occur in pair known as genes, and only one of these factors occur in a single gamete. The character of an organism is determined by the by internal. दो लाइन में इतनी कठिनाई होती है तुमको, बोलो ये सीखा। तुमने पेयर तो बोला नहीं, आप बोलो। Factors which are present in pair. Internal factors which are present in pairs now known as genes. Mm-hmm. And only one of the factor is in presence. कोई बात नहीं। हाँ आप बोलिए। Only one of the factor is present in single gamete. आप बोलिए। The characters of organism are determined by internal factors. Which are occur in pair are now called genes. Only one of the factors are present in single gamete.
In? Present in single gap. Repeat kariye. The character of organism are determined by internal factor which occurs in pair. Now for genes, these factors are present. आपने बताया? हाँ बोलो. The character of organism which determine the internal factor which occurs in pair, only one of the factor is present in single gene. पहला वाला जो बताया उसकी फ्रेमिंग ठीक नहीं है, बाकी ये सही है. चलो इतना ही रखो.